हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो शाम के सॉरी आज गुरुवार है और शाम के 5 बज चुके हैं। तो मैं शाम के 5 बजे चाय बना रही हूँ और चाय के साथ ही मैं बगल में कस्टर्ड की तैयारी कर रही हूँ। कस्टर्ड बनाने के लिए पहले दूध को गर्म करने के लिए रख दी हूँ और अब मैं बाकी ये जो कस्टर्ड डालने वाले फल हैं, मेरे पास अभी इतने ही फल हैं, है नहीं बाकी। इसमें आप जो जो फल आपको पसंद हो वो सब आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ बनाना और दो क्या कहते हैं एप्पल और एक पोमोग्रेनेट ली हूँ और अब इनको काट के, पहले इन्हें छील के और काट के रेडी करती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि कस्टर्ड पे कैसे उसे पका के कैसे डालना है। ठीक है, फल को काट के अभी छीलते हैं। थोड़ा मैंने काटा है, पहले इसमें कस्टर्ड को पकने के लिए टंगा दूँ। तो ये है टॉप्स का कस्टर्ड पाउडर है, बटर स्कॉच फ्लेवर है। तो पहले इसमें मैं दूध को थोड़े से आधा कप दूध है बाउल में लेके, और इसे 2 चम्मच, आपकी क्वांटिटी कितनी है उस हिसाब से, आप 1 किलो दूध अगर लिए हैं तो आप इस पे 4 बड़े चम्मच इसमें दूध में डाल के उसको पहले अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। अच्छा, एक बात बतानी थी कि हर मत सभी लोग दिखाते हैं कि पहले से थोड़ा सा दूध अलग से लेके इसको पहले पाउडर को इसमें घोल बना लेना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए है कि अगर हम उस सारे दूध में अगर हम ये डालते हैं पाउडर तो वो उसमें लम्स बन जाएंगे। तो छोटे से बॉल में अगर दूध लेके बनाएंगे तो लम्स हमारे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और फिर उसे उसमें डाल दीजिए। तो मैं दिखाती हूँ इसको उसमें डाल के। और साथ ही हमको शक्कर डाल देना है और इसे डालने के साथ ही इसे चलाना बहुत ज़रूरी है। तो इसे आप 5 से 10 मिनट तक के लिए ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे चलाते रहिए। एक बात का ध्यान देना है कि कस्टर्ड को इसे मतलब छोड़ के और जाना नहीं है, हमको लगातार उसे चलाते ही रहना है और फ्लेम मीडियम ही रखिएगा। तो लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे लगातार ऐसे ही चलाते रहा है और अब ये फाइनली पक चुका है। और अब इसे बंद करते हैं। बंद करने के बाद इसमें दूसरे बॉल पर रख के और इसे थोड़ा मतलब 2-3 से 3-4 मिनट ठंडा होने दे। और ठंडा होने के बाद हम डालेंगे इसमें ये फ्रूट्स। तो पहले मैं उसे खाली करती हूँ, मतलब दूसरे बाउल पे रखती हूँ, रखने के बाद दिखाती हूँ। तो इसे हम बाउल पे रखते हैं। इसमें इतना ही डालूंगी क्योंकि अगर ज़्यादा डाल दूंगी तो फिर से फ्रूट डालने के बाद ये ओवर हो जाएगा। तो ये अब अगर 10-5 मिनट ठंडा हो जाए उसके बाद आप ये सारे फ्रूट डाल दीजिए इसमें। तो अब ये हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो चुका है, अब इसमें डालेंगे फ्रूट्स। करना ये है कस्टर्ड मिक्सचर और इसमें सारे फ्रूट डाल दिए। रुकना रुकना रुक जाना, वीडियो ऑन है, बस मेरा हो गया। तो ये अब कस्टर्ड बन के रेडी हो चुका है। अगर आप इसे गरम खाना चाहें तो गरम खाइए, वरना कस्टर्ड वैसे ठंडा अच्छा लगता है। तो आप इसे फ्रिज पे रख के, और फ्रिज पे ना भी रखिए, ठंडी है तो आप ऐसे ही बाहर रख देंगे तो भी ठंडा हो जाएगा। और फ्रिज पे रखना चाहें तो अच्छी बात है, फ्रिज पे रखने के बाद इसका टेक्सचर कुछ अलग ही हो जाएगा। तो अगर आपको ये मेरे वीडियो कुछ भी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो पे मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।